हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 21A फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। सो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो इसको अच्छी तरह से समझना, ठीक है? तो जब भी जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्केयर, ठीक है? तो 6 का फर्स्ट पार्ट है, आपने फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो स्केयर की जो साइड दी है आपको, गिवन साइड, वो स्टूडेंट ने आपको क्या दी है, 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है? तो जहां पर पेरीमीटर ऑफ स्केयर का मैं आपको फार्मूला आपको बता देता हूं, पेरीमीटर ऑफ स्केयर, पेरीमीटर ऑफ स्केयर का फार्मूला था 4 × साइड, ठीक है? ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है? जैसे ये देखो स्केयर है एक, ठीक है, एक ये देखो स्केयर है ना, इसकी जो सभी साइड्स को प्लस कर दो, ए बी सी डी, सपोज कर लो ये 2 स्केयर की सभी साइड्स इक्वल है 5 5 5 5, ठीक है? जहां पर मीटर लगा सकते हो मीटर मीटर मीटर, तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आएगा, 20, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, ठीक है? अगर ये फार्मूले की हेल्प से करते हो तो 4 × 5 सेंटीमीटर इतना आ गया, 4 × 5 = 20। तो देखो बहुत मेथड से आप सॉल्व कर लो, और चाहे आप प्लस के मेथड से कर लो चाहे मल्टीप्लिकेशन से मेथड से कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है? अब हम मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, ये जो फार्मूले की हेल्प से हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो साइड ऑफ स्केयर कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर। ये देखो जहां पर आप डायग्राम छोटी सी बना सकते हो, ये जो स्केयर की साइड है ये कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर, जहां पर भी 3.8 सेंटीमीटर, जहां पर भी 3.8 सेंटीमीटर, जहां पर भी 3.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, ठीक है? तो जहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्केयर, स्टूडेंट इसका फार्मूला है 4 × साइड, ठीक है? तो 4 × साइड की वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है? अब 3.8 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 = 32, 3 कैरी, ठीक है? 4 × 3 = 12, 12 + 3 कितना आ गया, 15, ठीक है? तो आपका आंसर जो बनता है 152 यहां पर बनता है, मगर पॉइंट के बाद डिजिट देखो कितने हैं, 1, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ कर पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर आएगा 15.2 सेंटीमीटर। जी आपका क्या बन गया, आंसर। ओके स्टूडेंट, तो जो सेकंड पार्ट है ना इसका, ये आपकी होमवर्क के लिए है, ठीक है? आपने खुद ये सॉल्व करना, ठीक है, और देखना कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता। हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना, वो है 2 मीटर, साइड कितनी है, साइड ऑफ स्केयर कितनी है आपके पास, 2 मीटर 5 डेसीमीटर, 2 मीटर 5 डेसीमीटर। अब स्टूडेंट इस चीज को ना मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझाया था, इसका ना एक टेबल होता है कि जैसे ये देखो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेक्टामीटर, मीटर, डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है? तो हमने क्या करना, सबसे पहले जहां पर मीटर है जहां पर डेसीमीटर, हमने एक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लेना, चाहे आप मीटर में कन्वर्ट कर लो चाहे आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कोशिश कर लो कि आप स्मॉल जो यूनिट है उसमें कन्वर्ट करो, ठीक है? तो ये देखो हमने मीटर से डेसीमीटर तक का सफर तय करना, मैंने बताया था कि जहां से आपने कन्वर्ट करना होता है ना वहां पर 1 लगा दो, मीटर से डेसीमीटर तक जाना
तो जहां से हमने सफर अपना जर्नी जो स्टार्ट करनी है वहां पर वन लगा दो, और जहां तक डेस्टिनेशन खत्म करना वहां तक क्या लगा दो, जीरो। तो कितना बन गया टोटल फिगर, कितनी बन गई, टेन। इट मींस कि जो वन मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, टेन डेसीमीटर। तो जब भी मीटर से डेसीमीटर कन्वर्ट करना टेन के साथ कर देना मल्टीप्लाई, और जब भी डेसीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना टेन के साथ क्या कर देना डिवाइड। ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना, ठीक है। अब जहां पर भी क्या करना, ये देखो साइड है ना, तो जहां पर साइड कितनी है 2 मीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर प्लस 5 डेसीमीटर। अब 2 मीटर में 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो जहां पर मीटर को रिमूव करके 10 डेसीमीटर लिख दो प्लस 5 डेसीमीटर, तो ये क्या आ गया 2 times 20 डेसीमीटर प्लस 5 डेसीमीटर, टोटल कितना आ गया 25 डेसीमीटर, ठीक है। तो जहां पर रीजन लिख लो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है, समझ आ गई। अब ये क्या आ गई साइड ऑफ स्केयर, अब हमने क्या निकाला पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्केयर फार्मूला वही है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड कितनी है 25 डेसीमीटर, तो कितना आ गया 100 डेसीमीटर, कितना आ गया 100 डेसीमीटर। अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या कहा था कि अगर मीटर से डेसीमीटर पर जाना तो मल्टीप्लाई, डेसीमीटर से मीटर पर आना डिवाइड, करना किसके साथ 10 के साथ ही। तो 100 over 10 ये क्या बन गया मीटर, 10 जीरो के साथ जीरो कट गई, कितना आ गया 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ स्केयर आ गया, समझ आ गया बेटा। तो ये जो 6th का फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट सोल्व कराया, सेकेंड आपके होमवर्क के लिए है, वो खुद सोल्व करना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा दी कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड ए स्केयर फील्ड इज 4480 एट द रेट ऑफ 35 पर मीटर। ये देखो एक स्केयर फील्ड है, ठीक है, एक है स्केयर फील्ड, इसकी ना हमने क्या करना फेंस, जहां पर हमने ऐसे फेंस बनानी, दीवार बनानी, ठीक है, फेंसिंग करनी, दीवार बनानी हमने। तो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी लगी है 4480, और जो 1 मीटर की कॉस्ट लगी फेंस बनाने की 35 रुपीज है। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 4th किया था, सेम वैसे ये क्वेश्चन नंबर हमने करना है, ठीक है, इसमें कोई 4th क्वेश्चन, और जैसे 5th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको सेंड किए थे, ठीक है, उसी तरह से ये करना है। सबसे पहले हमें पेरीमीटर इसका निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्केयर फील्ड, ठीक है, ए स्केयर फील्ड एट द रेट एट रुपीस 35 पर मीटर इज रुपीस 4480, ठीक है। अब हमने पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ स्केयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट पर मीटर, ठीक है, बहुत इजी है। जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसको ऊपर रखना हमने न्यूमिरेटर में, और जो पर मीटर की कॉस्ट है उसको हमने नीचे रखना, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, इसकी कटिंग कर देनी, जहां तक कटिंग हो सकती है वहां पर करनी, तक करनी। सबसे पहले ये 5 पर डिवाइड हो जाएगा, 7 5 35, ये भी 5 पर डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे जीरो लगा है। 8 5 40, 4 नीचे बच गया, फिर 9 5 40, 8 45, ठीक है, अब 3 बच गया, तो 6 5 30, तो 8 9 6, 8 9 6,
अब हम क्या करते हैं, इसकी जो पेरीमीटर की देखते हैं कि अब ये हो रहा है किसी से 7 के साथ डिवाइड होता है, तो देखिए 7 बाहर रखेंगे और 8, 9, 6 अंदर, तो 7 1s are 7, 1 9, 7 2s are 14, 5 6 और 7 8s are 56, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया, इस पर कटिंग हो गई 128, तो 128 क्या आ गया, पेरीमीटर, क्या आ गया, पेरीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड, ठीक है। जो पेरीमीटर इतना आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका नंबर डाल लो 1, आल्सो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 × साइड। ये भी हम जानते हैं ना कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 4 × साइड, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पेरीमीटर स्क्वायर का होता है 4 × साइड, और ये भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का है, ठीक है। तो इट मींस ये भी स्क्वायर की बात पेरीमीटर की कर रहा है, ये भी 4 × साइड पेरीमीटर की बात कर रहा है स्क्वायर की, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 4 × साइड इक्वल टू 128, तो साइड की वैल्यू हमने निकालनी, ये 4 को कर दो नीचे डिवाइड, ठीक है। और ये कटिंग कर दो तो 4 3s are 12, 4 2s are 8, तो 32 पर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइड आ गई 32, क्या आ गया, ये मीटर में है ना, तो जहां पर क्या आ गया, मीटर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल करना क्वेश्चन, क्या करना, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है आपको, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की भी दी है फेंस करने के लिए, जो टोटल कॉस्ट है उसको ऊपर रखो, जो कॉस्ट ऑफ मीटर की है पर मीटर की उसको नीचे लिखो, डिवाइड कर दो, वो आपको देगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दी गया, अब हमने साइड निकालनी थी, तो पेरीमीटर स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 × साइड, ये 4 × साइड आ गया, आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, साइड की वैल्यू निकाल लो, तो 128 और 432 आपका क्या आ गया, आंसर, वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर आपको 9th करवाऊंगा, ठीक है, 8th क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा अभी, क्योंकि वो इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, मैं क्वेश्चन नंबर आपको 9th करवाता हूं, ठीक है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ जी भाई, अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या करना है, आपने फाइंड द पेरीमीटर, 9th के फर्स्ट पार्ट में देखो ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल की सभी साइड्स दे दी हैं, ये देखो एक ट्राइंगल है, इसकी सभी साइड्स दे दी हैं, एक दे दी है 7.8 सेंटीमीटर, दूसरी दे दी है 6.5 सेंटीमीटर, थर्ड साइड दे दी है 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, वो जो साइड्स आपकी क्या है 5.9 सेंटीमीटर प्लस 7.8 सेंटीमीटर प्लस 6.5 सेंटीमीटर, इनको प्लस कर दो, कर दो प्लस, 5.9, 7.8, 6.5 प्लस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 + 8 = 17, 17 + 5 = 22, तो 2 जहां लगा और ये 2 कैरी आ गया, 5 2 + 5 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 6 = 20, ठीक है। तो 20.2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, वेरी सिंपल।
समझ आ गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करना, ठीक है। तो ये आ गया। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर ये देखो 9.4। तो ये भी क्या आ गई 9.4, ये भी क्या आ गई 9.4। तो इसका भी सेम पेरीमीटर ऑफ, जहां पर लिख लो पहले साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी आ गई 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये है 9.4 और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका जो फॉर्मूला नोट कर लो 3 × साइड। जैसे स्केयर की 4 साइड्स इक्वल होती है ना, तो हम क्या लिख देते हैं 4 × साइड। सिमिलरली अगर ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल है तो लिख लो 3 × साइड। तो 3 × 9.4 सेंटीमीटर। तो 9.4 के साथ कर दो 3 को मल्टीप्लाई। 3 × 4 = 12, 1 कैरी, 9 × 3 = 27 प्लस 1 = 28। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट निकाल दो। तो 28.2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आ गया स्टूडेंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड पार्ट। तो 9th का थर्ड पार्ट देख लीजिए आप। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स। ये देखो अब ट्रायंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मीनिंग होता है टू साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज कर लो ये टू साइड्स हैं 8.5 जे वाली और जे भी 8.5 है, ठीक है। और थर्ड साइड है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की जे साइड हमने इक्वल मान ली, थर्ड साइड अन इक्वल है, तो अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना। तो लिख देना साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है जे वाला। अब क्या करना, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सिंपल प्लस कर दो 8.5 प्लस 8.5 प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो 8 + 8.5। ये देखो कैसे करना 8.5 8.5। अब 7 के बाद पॉइंट नहीं है ना, तो जहां पर 7.0 लगा दो। तो 5 + 5 = 10, 1 कैरी, कितना आ गया 1 + 8 = 9, 9 + 8 = 17, ठीक है। और 17 + 7 कितना आ गया 24, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 24.0 है। इसको सिंपली आप 24 लिख सकते हो। अगर 24.0 लिख दोगे तो भी ठीक है, अगर सिंपली 24 लिखोगे तो भी ठीक है। तो ये आई समझ लग गया आपको, आई होप आपको क्लियर है ये वाला। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम। वेरी इजी है। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, सबसे पहले साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखो, जहां पर मैं ना आपको कुछ बात बता दूं कि पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं 5, पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं 5 साइड्स होती हैं। रेगुलर का मीनिंग क्या होता है, इक्वल। रेगुलर का मीनिंग होता है इक्वल, ठीक है। इसका मीनिंग जो पेंटागन है उसकी 5 साइड्स है, 5 की 5 साइड्स इक्वल है। इसका जो पेरीमीटर फिर क्या बनेगा ये देखिए, जब भी रेगुलर लग जाए ना
तो आपने जैसे जितनी साइड्स होती हैं उसको प्लस मल्टीप्लाई कर देना साइड के साथ, जितनी साइड्स होती हैं उसके साथ उसकी साइड को क्या कर देना मल्टीप्लाई जब भी रेगुलर वर्ड आ जाए। ठीक है, तो ये देखो 5 मल्टीप्लाई साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल। जैसे ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो 3 मल्टीप्लाई साइड, स्केयर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो भी रेगुलर है। ठीक है, तो रेगुलर है ना वो भी, तो रेगुलर स्केयर कह सकते हैं, है ना। तो उसकी क्या होती है, उसकी 4 साइड्स इक्वल, तो हम क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, सिमिलरली पेंटागोन है, और रेगुलर पेंटागोन कहा है, इट मीन्स 5 साइड्स वाली कोई फिगर है जिसकी 5 की 5 साइड्स इक्वल है, तो उसको क्या करेंगे जितनी उसकी साइड्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये देखो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये 1 2 3 4 5 सपोज करो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, जो भी 2 है, तो टोटल कितनी बन गई 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, तो 10 बन गया पेरीमीटर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 साइड्स है इसकी, 2 ईच साइड की मेजरमेंट है, ठीक है ना, तो कितना बन गया 10 बन गया, तो आंसर तो वही बनना। तो आप क्यों ना ये चीजें माइंड में रख लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी क्या है, साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन वो कितनी है, रेगुलर ऑक्टागोन की साइड 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो रेगुलर का फिर मीनिंग आ गया इक्वल, ऑक्टागोन का मीनिंग होता है 8, वो फिगर जिसकी 8 साइड्स हैं और इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर क्या बनेगा, उसका पेरीमीटर बनेगा 8 इक्वल साइड है 8 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 4.5 को ना 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 5 = 44, 8 × 4 = 32 + 4 = 36 और 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो 36.0 सेंटीमीटर, चाहे 36 सेंटीमीटर लगा दो। क्लियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइड ऑफ रेगुलर डेकागोन, साइड ऑफ रेगुलर डेकागोन उसकी कितनी है साइड 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिए रेगुलर का मीनिंग क्या है इक्वल, और डेकागोन का मीनिंग है 10। ठीक है, तो इसका फिर पेरीमीटर क्या बना, पेरीमीटर कितना बना 10 मल्टीप्लाई साइड, तो 10 मल्टीप्लाई साइड की कितनी है 3.6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो 3.6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 0 0 × 6 = 3, तो 0 6 3। अब देखो 360 बन गया, 360 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, जहां पर 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो इसको भी आप 36 लिख सकते हो। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं 6th, 7th, 9th और 10th क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11th, 11th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपने सिर्फ जो आपकी शेप्स है ना वो देखकर आपने क्या लगा देना, उसके पेरीमीटर निकाल देना, उसका सम कर देना। ठीक है, ये देखो 11 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें इस तरह की आपकी शेप बनी है। ठीक है, तो ये क्या है 27 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और ये भी 35 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, पेरीमीटर निकालना बहुत इजी है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो प्लस कर दो, जहां से स्टार्ट कर दो 27 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर
प्लस 35 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड कर दो, ये देखो 27, 35, 45, 35, ठीक है, ऐड कर दो कितना बन गया, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7 22, तो ये 2 लग गया कैरी। अब 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, तो 142 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर। समझ आ गया स्टूडेंट्स, आपने सेकंड पार्ट इसका खुद कर लेना, वेरी इजी है। मैं आपको थर्ड पार्ट स्टूडेंट करवाता हूं, एंड विच इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 11 एंड आल्सो ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अब 11 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह की ना आपको फिगर दी है, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की एक एरो शेप की फिगर दी है आपके पास, और इधर, ठीक है। अब जहां पर क्या है, ये साइड है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये जो है 16 है, बड़ी 16, और ये भी 16, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 4, और ये भी 4, और ये जो हमारे पास है ना 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब क्या करना, इनकी आपने एडिशन कर देनी, ठीक है, जैसे ही पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये देखो इनको सभी को प्लस कर दो, जहां से स्टार्ट कर लो आप, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस ये देखो 4 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 4 सेंटीमीटर, काउंट कर लो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी 7 ही है। अब इनको प्लस कर दो, आपके पास आएगा आंसर। तो चलो फिर 12 प्लस 12, ठीक है, प्लस 4 प्लस 16, यहां पर 0 लगा लो, प्लस 8, 08 लगा लो, प्लस 16 प्लस 4, ठीक है, तो 7 हो गई। अब देखो इनको प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 आपके पास आ गया 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 4 32, 3 कैरी आ गया, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो 72 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो मैंने आपकी बनाई है क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 11 तक, आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई स्टेप नहीं पता चला तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, और एंड मोर ओवर आप इस जो वीडियो का ना जो बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो आपको अपलोड करूं तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।